तानुज पकड़ा है तो पोटली जैसे। इसको बहुत दिन से सोच रहे थे पहनना पहनना। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय जय श्री ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी दिन का 12 बज रहा है और आज सूरज महाराज ना हल्का हल्का निकले हैं, ठंडा भी लग रहा है और हमको जाना है अभी बाल धोने के लिए, तो हम सोच रहे हैं यहीं पर बाल धोते हैं। तो बाल धोने के लिए पानी हम भर लिए हैं बाल्टी में, डब्बा में। हम शैम्पू को घोल लेंगे पहले, तो हम यही शैम्पू से हमेशा बाल धोते हैं। और एक पैकेट, तो एक पैकेट से होता नहीं है, दो पैकेट हम लगाएंगे। तो दोस्तों, घर में पहनने के लिए कुछ कान वाला हम खरीद के रखे थे, जिसको हम हमेशा पहनते हैं। ये दोनों को तो हमेशा पहनते हैं, लेकिन इसको बहुत दिन से सोच रहे थे पहनना पहनना है, लेकिन पहन नहीं पाते थे। अभी पहनेंगे इसको, और इसको तो पहनते रहते हैं। तो ये छोटा सा डिब्बा, ये तीन ठो कान वाला रखने के लिए। तो दोस्तों, ठंडा लग रहा है तो हम सोचे कि चलो धूप में बैठ के कान वाला पहनते हैं। तो एकदम नाव के टाइप का है, डोंगा जैसा, और इसमें छोटा छोटा नग लगा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसको हम पहन लेते हैं। एकदम सेम डोंगा जैसे दिखता है, बहुत अच्छा लगा था। हम दो जोड़ा ले लिया अलग अलग कलर का। दो कितना बचा? हाँ, पांच निकला। दो निकला, दो निकला, पांच दो तब दो। जो फिर हम कुछ खरीदेंगे। क्या खरीदेगी? नहीं, हम इसको जमा करेंगे, जमा चुक्का में। चुक्का में कितना रुपया जमा किया है चुक्का में? एक उठो नहीं है, एक उठो नहीं है। ये कब तक जमा रहेगा ये 2 रुपया? अभी बोली थी 2 रुपया को चुक्का में रखेंगे। क्या खरीदी? हाँ, अभी बोली थी चुक्का में रखेंगे। कहाँ रखी? हाँ, ये वाला चुक्का में। पैसा कैसे बचाएगी? अनुज को देखना, एक एक रुपया बचाता है। और ये है कि एक रुपया भी इसके पास रह गया, मिल गया लूटमार में, तो सीधा पेट में जाएगा। हाँ, हंस रही है। तो अनुज पकड़ा है तो पोटली जैसा लग रहा है थैला। तेरा पोटली जैसा वाला थैला को दो, चल। दोस्तों, हम और अनुज जा रहे हैं अभी मड़ुआ पिसाने के लिए। थैली में, ये वाला थैली में थोड़ा सा मड़ुआ है, तो हम सोचे कि पिसवा लेते हैं। अभी शाम का टाइम है और यहाँ पर नई वाला थैली ज़्यादा चलता है, सब्जी बाज़ार हो या कुछ भी बाज़ार हो, हम तो इसी को लेके जाते हैं। बहुत आराम लगता है, उसमें भर भी जाएगा ना तो भारी नहीं लगता है, इसे टंगा लो आराम से, और टिकाऊ भी रहता है। साड़ी, साड़ी का टुकड़ा सबसे बनाते हैं, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, तो मेरे पास ज़्यादातर बाज़ार के लिए ही सब थैली रहता है। आटा चक्की आ रहा है लेकिन पता नहीं खुला है कि नहीं। पहुँच गए हैं, अनुज आगे आगे जा रहे हैं, पता नहीं पीस रहा है कि नहीं पीस रहा है। चिल्ला तो। तो दोस्तों, हम लोग वापस आ गए हैं घर, और पोटली जैसा लेके गए थे, पोटली ही रह गया, क्योंकि आटा चक्की में जो थोड़ा पीसता है ना वो नहीं थे, तो और कोई दिन जाना होगा हम लोग को। तो देखते हैं फिर कभी खुला रहेगा। हम सोचे थे एक बार खुला है कि नहीं खुला है, सोचते सोचते जा रहे थे, और अनुज के पापा भी घर में नहीं थे, उसके पास फ़ोन नंबर था आटा चक्की वाला, वो जो भैया रहते हैं जो पीसते हैं उसका नंबर था, लेकिन अनुज के पापा नहीं थे इसलिए फ़ोन भी नहीं किए। फ़ोन करके जाते तो शायद काम हो जाता, जाना नहीं पड़ता, गए और वापस आए लेके। फिर कोई दिन जाएंगे, देखते हैं, फ़ोन करेंगे उसके बाद में ही जाएंगे। उतना दूर हम लोग गए पैदल पैदल, अनुज से हम लोग का जाना और आना बेकार हो गया। अनुज बेकार गए जैसे लग गया, पूरा बर्बाद हो गया हम लोग का। 1 घंटा, 4 बजे निकले थे, आते आते 5 बज गया, पूरा बेकार हो गया। हम और अनुज गए थे मड़ुआ के पिसवाने के लिए, तो ये नहीं था वो चक्की वाला लड़का लेना की।
स्पेशल खाने। हाँ तो चलो ना, पैसा पकड़ोगे तब ना। पैसा हम लोग नहीं है, नहीं हमारे पास अपन। हाँ पापा के पास है, पॉकेट हरा हरा है कि, लेकिन अपना अलग बचाते रहता है। देखो पापा खिलाएगा आज रो। हाँ पापा खिलाएगा, हम नहीं पकड़ेंगे, अपना लग बचात रहेगा। फुचका दुकान, और मम्मी लोग यहाँ पर ही खड़ी है खाने के लिए। हाँ अच्छा से। अनुज नहीं गया था तो अनुज के लिए चाट ला दिए हैं, यहाँ पर बैठ के आराम से चाट खा रहा है। टेस्टी है। वहाँ पर ही अच्छा लगता है। वहाँ का ना घर का भी अच्छा लगता है, उधर का ज्यादा अच्छा लगता है। उधर का नहीं, वहाँ का ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं तुमको नहीं लगता है? लगता। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है और रात को आए उसके बाद ना एकदम लाइट ही नहीं था घर में, अंधेरा अंधेरा में अनुज अपना चाट खाया। उसके बाद में अभी अस्मिता रेडी हो गई है, दोनों का टाइम भी हो गया है, तो हम जा रहे हैं छोड़ने के लिए। तंगा ठीक से, तो ये अपना बैग, तो ये अपना बैग खुद ही टंगाती है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ तुम टंगा दो घर यहाँ गेट के पास तक केवल पकड़ के निकलते हैं, उसके बाद पकड़ के खुद ही जाती है। तो आज के लिए नहीं, आज हम नहीं पकड़ेंगे खुद से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।